वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। खखा यह खोड़ मन आवा, खोड़े शाड न दह दिसतावा। सो आओ सा संगत जी, चल रही लड़ीवार कथा विचार। सरल विचार दे विच तन तन भगत कबीर साहब जी 340 अंग ते कृपा कर रहे हैं। गौड़ी 52 अखरी सरलेख है। खखे अखर द्वारा उपदेश कथन करते हैं कि जिन्हों का ये मन हिरदा ब्रह्म रूपी खोड़ गुफा विच आ गया है, जिन्हों का मन सतसंगत रूपी खोड़ विच आउंदा है, सतसंगत नाल मिल करके अंतरमुख खोड़ विच आउंदा है, अंतरमुख खोड़ विच मिल करके फिर हिरदे रूपी खोड़ विच आउंदा है, हिरदे रूपी खोड़ विचों तुरिया पद रूपी खोड़ विच आउंदा है, तुरिया पद रूपी खोड़ विचों ब्रह्म रूपी खोड़ विच आउंदा है। इस अवस्था विच आउणे करके ब्रह्म रूपी गुफा नूं छड करके दसां दिशावां दे पदार्थां वल नूं नहीं धावा कहीए दौड़दा। खसमै जाण खिमा कर रहै, तौ होय निखियो अखै पद लहै। अकाल पुरख दे ज्ञान ताई जाण करके सब ताई खिमा मुआफ़ करके रखदा है। फिर प्रश्न करदे आ कि उसनू की फल मिलदा है। उत्तर दिंदे भगत कबीर साहब कि वह जम्मण मरण विच पै के निखियो नास नहीं हुंदा, अते नास तो रहत पद पदवी नू लह प्राप्त कर लेंदा है। फिर प्रश्न है, वह परमेश्वर किस तरह पछाणिया जाता है? गुर उत्तर दिंदे हन, गग्गा गुर के बचन पछाना, दूजी बात न धरई काना। गग्गे अखर द्वारा कथन करते हैं कि वह स्वरूप सतगुरों के बचन उपदेश द्वारा पछाणिया जाता है। सतगुरों के बचना पछानना करे, दूजी द्वैत वाली बात गल अपने कन्ना विच धरई धारण ना करे, भाव दिल विच ना वसावे। रह बेहंगम कत है न जाई, अगह गह गह गगन रहाई। सो पाठ बड़े ध्यान नाल करना है। अगह गह गह गगन रहाई, बेहंगम पंछियों की न्याई आकाशी बिरती धारण करके रहे, जिमें पंछी दरख्त दे फल खा के ते नदियां दा पानी पी के गुजारा करते हैं, इउं लोड़ अनुसार परालब्ध विच मिले पदार्थ ही ग्रहण करे ते जोड़न दा लालच ना करे, भाव त्याग बिरती रखे, बेहंगम विरक्त महात्मा की तरह रहना करे। बेहंगम दे अर्थ होर करते हैं, हंग हंगता ते गम सोग तो बेनाम रहत रहना करे, अते कत है किसी पासे पदार्थां वल ना जावे। जो परमेश्वर ग्रहण करन तो अगह, जो मन अगह ग्रहण करन तो रहत है, उसनू गुरां दे शब्द द्वारा ग्रहण करे, भाव पकड़ ना करे। फिर पकड़ करके जिदा आकाश विच रहाई रहना करे, रखना करे। कग्गा घट घट निमसै सोई, घट फूटे घट कबह न होई। कग्गे अखर द्वारा उपदेश कथन करते हैं कि वह परमात्मा घट घटा घटा विच शरीरां शरीरां विच प्रकाश कर रहा है, निमसै निस्थित हो रहा है। प्रश्न करते, हे भगत जी, जिहड़ा परमेश्वर शरीरां विच रहिंदा है, जदों शरीर नास हो जाता है वह भी नाल ही नास हो जाता होना है। भगत जी दसदे, हे भाई, जदों यह शरीर रूपी घट घड़ा टुट जाता फुट जाता तां जिवें घड़े दे भन्नण करके आकाश नहीं ना घटदा टुटदा, आकाश बणिया ही रहिंदा। इसे प्रकार वह परमात्मा कदा चित भी घट नहीं होई कि यह हुंदा, भाव एक रस रहिंदा है। जदों यह शरीर नास हो जाते आ वह ज्यों दा त्यों ही रहिंदा है। ता घट माहे घट जौ पावा, सो घट छाड अव घट कत धावा। इस तिस शरीर दे विच घट हिरदे विच
जदों परमेश्वर की प्राप्ति का ज्ञान रूपी मार्ग रस्ता पा लिया, वह जेड़ा एक रस परमेश्वर का घट स्वरूप है उसनू छड़ करके काम क्रोध आदिक पंजां कोशां आदिक जमा आदिक दियां औखियां घाटियां नू कहनू धावा धावेगा दौड़ेगा। गंगा निग्रह स्नेह कर निर्वारो संदेह, नाही देख न पाजीऐ परम सियानप एह। गंगे अखर द्वारा कहिंदे हन कि हे भाई, अपने मन दे ताई निग्रह ने नाम विशेष करके स्नेह प्रेम नाल ग्रह पकड़ना करे अते संस्या नू निवृत करना करे मेटना करे अते मन नाही ना रुकदा होया मन वेख करके भगौड़ा ना हो जाई कि मन तां रुकदा नहीं मैं की करना भजन करके। इउं खुला नहीं छड़ना मन नू, खुला रह गया तां पकड़िया नहीं जाना, ये परम बड़ी वड्डी सियाणप दी गल है। चचा रचित चित्र है भारी, ताज चित्र है चित हो चितकारी। चचे अखर द्वारा फरमाउंदे हन कि जो परमेश्वर ने संसार रचिया होया बनाया है, यह एक बड़ी वड्डी चित्रकारी जो रचना रची है, यह एक चित्रकारी है, तस्वीर है अते बड़ी भारी चित्री हुई है। इस करके जगत रूप मूरत नू छड़ करके इसनू चित्तकारी चित्रण वाले परमेश्वर नू चिंतन करो, याद करो। चित्र बचित्र यह अवझेरा, चित्र बचित्र यह अवझेरा, ताज चित्रै चित राख चितेरा। जेड़ी यह संसार दी तस्वीर है, यह बड़ी बचित्र नाना प्रकार दी अनोखी है। यह अवझेरा गुंजल पेचदार गल है, झगड़ा रूप है, नरकां विच आउण जाण वाला उलझेवा है। इस करके संसार दी तस्वीर नू छड़ करके इसनू चितेरा चित्रण वाले नू बनाउण वाले नू हिरदे विच चेते करना कर रखना करो। फिर प्रश्न करदे हे भगत जी, ओह चित्रकारी करन वाला परमेश्वर दिसदा तां है नहीं? भगत साहब जी उत्तर दिंदे हन, शशा एह शतरपत पासा, शक के न रहो शाड़ के न आसा। शशे अखर द्वारा कथन कर रहे हन कि एहो ही आत्मा अभिन्न शतरपत शतरां दा पति मालक परमेश्वर तेरे पासा कोल ही है। तू उस परमात्मा विच शक कहिए फब के क्यों नहीं रहिंदा? हर वक्त शक परेशान हो के क्यों नहीं रहिंदा? अते आसा तृष्णा नू क्यों नहीं छड़दा? दुनिया दिया आसा छड़ दे तां तेरा चित प्रसन्न होके उस परमेश्वर विच रहेगा। रे मन मैं तो शिन शिन समझावा, ताहे छाड़ कत आप बधावा। रे मन हे मेरे मना, मैं तां तेनू खिन खिन काल भाव थोड़े तो थोड़े समय विच समझाउणा कीता है कि तिस परमेश्वर नूं छड करके किहड़ी गल्लों अपने आप नूं संसारक बंधना विच बधावा बनना कीता है। फिर भगत जी नूं सवाल करदे हे, भगत जी उस सरूप दी प्राप्ति किवें होवे? भगत जी जजे अखर द्वारा पावन उपदेश बख्श रहे हन। जजा जो तन जीवत जरावै, जोबन जार जुगत सो पावै। जजे अखर द्वारा कथन करदे हन कि हे भाई, जेकर अपने शरीर नू जिउंदिया ही साड़ देवे, देह अभिमान तो हट जावे अते जोबन जवानी अवस्था नू परमेश्वर दे विछोड़े दी वैराग रूपी अग्नि विच साड़ देवे, ओह परमेश्वर दी प्राप्ति दी जुगती नू पा लैंदा है। जदों इस तन शरीर वा सूखम मन दे ताई जीवत भाव वालों भी जीवदा ही ब्रह्म अभ्यास रूपी अग्नि करके मैं जीव नहीं हाँ इस हंकार नू साड़ देवे, अते जवानी विच जो विषयां दा शौक है इसनू भी नाम अग्नि नाल साड़ देवे, जो बन जो जेड़ा संसार रूपी बन जंगल बन रहा है इसनू साड़ ना करे, ओह परमेश्वर विच जुड़न दी जुगती नू पा सकदा है।
अस जर पर जर, जर जब रह, तब जाय जोत उजारो लह। जिड़ा अपना जर धन अस है, अते जो पर पराया जर धन है। जब जदों इन्हां दोवां दी इच्छा पराए दा धन देख के ललचाउणा ते अपना वेख के हंकार करना, इन्हां दोनां इच्छावां नूं जर साड़ छा साड़ करके एक रस बिरती विच रहना करे। जीव दी जो अलपगता आदिक बिरती अस है भाव, पर परे जो ब्रह्म है उसकी जो सरबगता आदिक विभूति है, जदों इस नूं जर रखे सहार रखे इसका हंकार छड़ देवे, तदों इस दे अंदर परमेश्वर की जोत जाए कि यह प्रगट हो जाती है। झज्जा उर्ज सुरज नहीं जाना, रहो झजक नाही परवाना। झज्जे अखर द्वारा कथन करते हैं कि यह सारी दुनिया मोह विषया आदिक विच उलझी पई है, परंतु दैवी गुणा के सहत होके इस तो छुटकारा पाना चंगा सुधर जाना किसी ने भी नहीं जाणिया। हर रोज़ पदार्थों विच ही रुके पए हैं, परमेश्वर की दरगाह विच प्रमाणिक नहीं हो सकते। कत झख झख औरन समझावा, झगर किए झगरो ही बावा। हे जीव किस लई झखा मार मार के व्यर्थ बोल बोल के होरना नू समझाउंदा है। जब तू किसी नू समझाउण लई झगड़ा करेगा तो तेरे गल जम्मण मरण का झगड़ा ही पवेगा। संसार नाल झगड़ा करन ते अपने गल झगड़ा ही पैना है। न्यन्या निकट जो घट रहे हो, दूर कहा तज जाए। न्यन्ये अखर द्वारा समझाउंदे हन कि जिहड़ा परमेश्वर नेड़े तो नेड़े घट हिरदे विच व्यापक हो रहा उहो ही तेरा साखी प्रकाश रूप है। उसनू तज छड़ करके दूर पदार्थां वल किधर जांदा है। जा कारण जग टू ढूंढ्यो, जा कारण जग ढूंढ्यो, नेरो पायो ताहे। जिस परमेश्वर की प्राप्ति कारण वास्ते सारा जगत ढूंढ्यो भाल के आए हों, उसनू गुरां द्वारा नेड़ो हिरदे विच्चों ही पायो पा लिया है। टटा बिकट घाट घट माही, खोल कपाट महल के न जाही। सो टटा टैंके अखर द्वारा कथन करते हैं। गुरबाणी विच इस अखर का नाम टटा आया है। कस के नहीं बोलना, पोला ते काली विच बोलना टटा। टटा बिकट घाट घट माही टैंके अखर द्वारा कथन करते हैं कि वह परमात्मा तो हिरदे दे विच ही है, परंतु उसकी प्राप्ति लई काम क्रोध पंजां कोशां छियां चक्करां आदिक घाटां रस्तियां नूं कट्टणा पार करना बड़ा ही बिकट कठिन है। जो शास्त्रां आदिकां करके बेकट नहीं कट्टिया जाण वाला परमात्मा है, उसका घट हिरदे दे विच ही घाट अस्थान है। हे भाई, तू अपने पंजां कोशां आसा तृष्णा दी कपाट तख्ते खोल करके तुरिया पदरूपी महल विच क्यों नहीं जाता। देख अटल टल कत है न जावा, रह लपट घट पर चौ पावा। हे मना, जेकर तू एक बारी अटल स्वरूप तुरिया पद नू वेख लवें तां फिर खिसके किधरे भी नहीं जावेगा। फिर तू हर वेले उस स्वरूप विच लपटिया रहेगा अते घट हिरदे विच परमेश्वर दे प्रेम दा परचे नू पावा पावेगा। ठठा एह दूर ठग नीरा, नीठ नीठ मन किया धीरा। ठठे अखर द्वारा उपदेश बख्श रहे हन कि हे भाई, ये जो संसार दिस रहा इस नू ठगी वाला नीरा दा पानी भाव मिग मृग तृष्णा दे जल वांगू झूठा समझ के दूर कर दे, छड़ दे त्याग दे। असी तां इस नू ठगी दा पानी जान के नीठ नीठ हुंदा मसा मसा, हौली हौली सने सने सहजे सहजे अंतश करण नू धीरा धीर जवान कीता है। जिन ठग ठगिया सगल जग खावा, सो ठग ठगिया ठौर मन आवा। जिस ठग अज्ञान मोह ने
ठग करके सारे जगत संसार नूं खा लिया है, नाश कर दिता है। जदों हिरदा तुरिया पद रूपी टिकाने विच आ गया तां असीं उस ठग अग्ञान मोह नूं ठग लिया भाव नाश कर दिता। सो ठग ठगिया ठौर मन आवा, हुण उही ठग टिकाने आ गया है, भाव तदों असीं परमेशर नूं प्रेम दी ठग बूटी ठगौरी पा के ठग लिया है। डड्डा डर उपजे डर जाई, ता डर मैं डर रहया समाई। डड्डे अखर द्वारा उपदेश बख्श रहे हन कि जेकर पुरख दे अंदर परमेशर दा डर पै पैदा हो जावे तां इस दे काम क्रोध आदिक विकारां आदिकां दा सारा खौफ चलिया जांदा है। फिर प्रश्न करदे भगत जी नूं ओह डर कित्थे चलिया जांदा, दसदे आ जिवें हनेरा चानण विच ही लीन हो जांदा, उवें ही उस परमेशर दे डर खौफ विच ही जम्मण मरण आदिक दा डर खौफ समाया रहिंदा। जो डर डरै ता फिर डर लागै, निडर हुआ डर उर होए भागै। जदों परमेशर दे डर भै तों डरदा रहे कि मैथों नहीं परमेशर दा डर धारिया जाणा, तां फिर बहुड़ो जम्मण मरण आदिक दा डर लगा रहिंदा। अते जदों परमेश्वर दा डर धारण करके निडर निखौफ हो गया तां ओह जो हिरदे विच डर पै होना सी ओह सारा ही भज गया, निविरत हो जांदा है। डड्डा ढिग ढूडह कत अन, ढूडत ही टह गए परन। टड्डे अखर द्वारा कथन करदे हन कि हे भाई परमेश्वर तां तेरा साखी रूप हो के तेरे ढेगों का नेड़े ही है, तू उसनू आना होर पासे कित्थे ढूंढदा भालदा फिरदा, आना द्वैत विच पै के दूजा मन के कित्थे भालदा फिरदा। इस प्रकार बाहर खोज करन वालियां दे ही प्राणा प्राण टह गए मुक गए, शरीरां दा अंत हो गया पर परमेश्वर नहीं पाया। चढ़ समेर ढूढ जब आवा, जेहे गढ़ गड़ियो जे गढ़ गड़ियो सो गढ़ मह पावा। जद समेर परबते चढ़ करके भी ढूढ लभ करके आ जावे परंतु वह परमेश्वर प्राप्त नहीं हुंदा, जिसने ये शरीर रूपी गढ़ किला गड़ियो घड़िया है, सो ओह परमात्मा गुरां दी कृपा करके शरीर रूपी गढ़ किले विचों पौना कीता है। अणाणा रण रूतो नर नेही करै, ना निवै ना फुन संचरै। हुण अणाणे अखर द्वारा कृपा कर रहे हन कि जिस वेले पुरश काम क्रोध आदिकां दा जंग अंदर आ के रूतो रुकदा है उदों आदमी नूं नेही हट करै करना चाहीदा, उन्हां दे अगे न्योणा झुकना नहीं चाहीदा, ना ही फुन पुना उन्हां दे अनुसारी हो के संचरै विचरना करे, भाव उन्हां दी मर्जी ना करे, आपदी मर्जी गुरु पातशाह दी गुरमत लै करके चले। धन जन्म ताही को गणै, मारै एक है तज जाए घणै। ताही को उस पुरख दा जन्म संसार विच धनता दे योग गिणिया जांदा है, जिवें एक वड्डे मुखी अफसर नूं मार दिता जावे ना बाकी सारी फौज अपने मैदान नूं छड के पिछे भज जांदी है। इसे प्रकार एक मन दे अंदरले माड़े सुभा नूं मार लवे जां अग्ञान नूं मार लवे तां बाकी दी घणे बहुत सारी फौज आसरी संपदा छड करके अपने आप ही चली जांदी है। सुनाणे अखर द्वारा दूसरा अर्थ भी दसदे हन कि जदों शुभ ते अशुभ सुभा दा जंग अंदरों रुक जांदा है उदों पुरख नूं हट करना चाहीदा, निश्चा करना चाहीदा है, ना निवे ना तां औगणा अगे आप न्योणा करे ते ना ही फुन संचरै, पुनः हंकार करे कि मेरे विच इतने गुण हन, इउं गुणां दा हंकार ना करे ते किसे नूं नवाउण दी इच्छा ना रखे, ना ही विकारां दे अनुसारी हो के संचरै भली प्रकार विचरना करे। उस पुरख दा जन्म धनता दे योग है ते गणे गिणिया जांदा है। जिहड़ा इह एक देह अध्यास नूं मार लवे तां बाकी दे घणे बहुते दुश्मन आसरी संपदा आदिक छड के भज जांदे हन। तत्ता तत्ता अतर तरियो नह जाई,
तन त्रिभवन मह रहो समाई। तत्ती अखर द्वारा पावन उपदेश बख्शते हैं कि संसार समुद्र विचों तरना बड़ा ही कठिन है, ये तरियो नह जाई तरिया नहीं जाता। फिर प्रश्न है तरना क्यों औखा है, दस दे भगत जी कि जिन्ना चिर तक सूखम मन त्रिभवन तिना भवणा दियाँ वासनावां विच समा रहा है उतना चिर तरना कठिन है औखा है। जो त्रिभवन तन माहे समावा तो तत्त है तत् मिलिया सच पावा। जद त्रिभवन तिना भवणा दा पति परमेशर सूखम शरीर मन विच समा जांदा है तिना भवना की जागृत सुपन सुखोपत अवस्था स्वर्ग लोक मात लोक पताल लोक आदिक तिने भवना दियाँ वासनावां तन दे मन दे विच ही समा जांदियां हन लै हो जांदियां हन। तदों तत्त है तुअंग पद जीव का लख अर्थ स्वरूप अते तत्पद ईश्वर का लख अर्थ स्वरूप जो है उस दे विच मिल के सच सुख स्वरूप अद्वैत ब्रह्म नू पा लईदा है। थत्था अथाह थाह नहीं पावा ओह अथाह एहो थिर न रहावा। थत्थे अखर द्वारा कथन कर रहे हैं कि वह परमेश्वर अथाह बहुत डूंगा है, उसका अथाह ओड़क नहीं किसी तो पाया जाता तो ना पाया जा सकता है। वह परमेश्वर अथाह अगाध बेअंत है अते एहो इस जीव का मन थिर टेंके नहीं रहावा रह सकता। थोड़ै थल नानक थोड़ै थल थानक आरंभै बिन ही थबै मंदर थंबै। जिमें जीव थोड़ै घट अस्थान विच ना थानक घर चुबारे आदिक नू आरंभै बनाउणा चाहुंदा होवे ये किवें हो सकता है। इसे प्रकार थोड़े जीवन विच संकल्पां विकल्पां द्वारा बहुत कुछ बनाउणा चाहुंदा है ये भी नहीं हो सकता। बिना ही थब है थंबियां तो बिना थंबियां तो मंदिर घर नूं थंबै थंबियां चाहे तो किवें रह सकता है। इस प्रकार ये मंदिर शरीर पाउण दा थंबा इस वासां रूप थबै थंबियां तो बिना किवें स्थित रह सकता भाव नहीं रह सकता। ददा देख जो बिन संहारा जस अदेख तस राख बेचारा। ददे अखर द्वारा पावन उपदेश बख्श रहे हैं कि जिहड़ा कुछ भी देख दिख रहा है वह सब कुछ बिन संहारा नास हो जाने वाला है। जस जिहो जिहा परमेश्वर आप अदेख हुंदा अदृश्य भाव देखण तो रहत है तिहो जिही ही उसकी बेचारा विचार नूं दिल विच राख रखना करो। दसवै द्वार कुंजी जब दीजै तौ दयाल को दर्शन कीजै। जदों दसवै द्वार दसम द्वार विच प्राणायाम रूपी कुंजी चाबी देना करिए तौ तां दयाल दयालु परमेश्वर दे दसम द्वार च चेतन दी लाट दे दर्शन दी दार कर लईदे हन। तौ दयाल को दर्शन कीजै। सो इस करके महाराज कहिंदे हन कि अध्यास दा कुंडा ते आसा तृष्णा दे तखले तख्ते खुल जाणगे तदों दयालु परमेश्वर दे दर्शन कर लईदे हन। तद्दा अर्दह उर्द नबेरा अर्दह उर्दह मंझ बसेरा। तद्दे अखर द्वारा समझाउंदे हन कि अर्दह जीव ते उर्द ईश्वर दा नबेड़ा करना चाहीदा है। प्रश्न है नबेड़ा किवें होवेगा, दसदे हन उपासना कांड राही जिहड़ा अर्दह जीव है उसका उर्दह ईश्वर दे मंझ कुंदा विच बसेरा वासा करना चाहीदा है। अर्दह शाड उर्द जो आवा तौ अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। जीव पुणा छड करके जदों उर्द ईश्वर की उपासना विच आ जाता है तदों जो अर्दह जीव है वह उर्द ईश्वर विच मिल जाता है तो सुख स्वरूप नूं पा लैंदा है। नन्ना निसदिन निरखत जाही नन्ना निसदिन निरखत जाई निरखत नैन रहे रतवाई। नन्हे अखर द्वारा समझाते हैं
कि जेडे निस दिन रात दिन परमेशर दे दर्शन करन वास्ते प्रेम विच वेखदे हुए मगन हो जांदे हन अते उन्हां दे निरखत वेखदियां वेखदियां नैन नेत्र मन बुद्ध रूपी नेत्र रतवाई प्रेम दी लाली वाले हो जांदे हन। निरखत निरखत जब जाए पावा तबले निरखै निरख मिलावा। निरखत निरखत हुंदा वेखदियां वेखदियां जदों तुरिया पद रूपी सरूप रूपी जाए जगह नूं पा लिया तदों वेखण वाले जीव ने जीव नूं लै करके ब्रह्माकार बिरती द्वारा निरख देखण योग ब्रह्म ने अपने विच मेल लिया भाव एकता हो गई। पप्पा अपर पार नहीं पावा परम ज्योत स्यो परचौ लावा। पप्पा अपर पार नहीं पावा पप्पे अखर द्वारा पावन उपदेश बख्श रहे हैं कि प्रकृति दे पारावार तो परे जो परमेशर है उसका पारावार नहीं पाया जा सकता। वह परम ज्योत वड्डे ज्योति स्वरूप परमेशर दे नाल प्रेम दे परचो परचे नूं लौना करे। पांचो इंद्री निग्रह करई पाप पुन दो निरवरई। पांचो इंद्री पंजे ज्ञान इंद्रियां नूं भी निग्रह रोकना करे। जिन्हां ने रोकना कीता है उन्हां दे अंतशकरण विच जो निखेध कर्मां वाले पाप मंद कर्म सन ते सकाम कर्म करके पुन कर्म सन ये दोवें ही निरवई निरवरई निविरत हो गए हैं। फफा बिन फूलै फल होई ता फल फंक लखै जौ कोई। फफे अखर द्वारा समझाते हैं कि जिमें कटैल दे ब्रिश आदक नूं बिना फुल्लां तों फल हो आउंदे हन लग जांदे हन इस प्रकार साधन उपासना रूपी फुल्लां तों बिना ही सतगुरां दी कृपा द्वारा ज्ञान रूपी फल की प्राप्ति हो जाती है। जदों ब्रिश नूं फल लगते हैं तो उदों सारे फुल झड़ जाते हैं। इस प्रकार जदों निष्कामी हो के ब्रह्म ज्ञान रूपी फल प्राप्त हो जाता उदों कर्म धर्म रूपी फुल अपने आप झड़ जाते हैं। उस ब्रह्म ज्ञान रूपी फल दियां चार भूमिका रूपी फाड़ियां विच्चों जेकर कोई एक नूं लख्या जाण लवे तां ज्ञान प्राप्त हो जाता है। दूण न परई फंक बिचारै ता फल फंक सबै तन फारै। जो इस ज्ञान दी फंक हुंदा फाड़ी नूं बिचारै विचारदा है विचार लवे वह दून द्वैत विच नहीं पैंदा। दून दो पहाड़ां दे संध दी फाड़ साफ जगह दा नाम दून है भाव जम्मण मन रूपी दो पहाड़ हन। इन्हां विच 84 लख जूनां दे शरीर दून दी न्याई हन। जिहड़ा ज्ञान दी फाड़ी नूं विचार लैंदा वह इन्हां 84 लख जूनां दे शरीरां विच नहीं पैंदा। इस ब्रह्म ज्ञान रूपी फल दी तुरिया पद रूपी फंक फाड़ी करके सारे तन सूखम कारण अस्थूल शरीर इन्हां दे गुमान नूं भी फारे पाड़ दिंदी है। वाहे गुरु 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 वाहे गुरु। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।